हमको लगता है मंडल जी आप आए हैं और झारखंडी परंपरागत संस्कृति पर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अखाड़ा का चर्चा अगर हम नहीं करें तो अधूरा होगा। और जो लोग यहाँ रचे बसे हैं तो उनको हम सांस्कृतिक परंपरा से किनारे नहीं कर सकते। जब भी अखाड़ा की बात करते हैं तो यहाँ के आदिवासी समाज, उसको आप जनजातीय कहें या मूलवासी कहें या क्षेत्रीय कहें, यहाँ भाषा और संगीत की बात अखाड़ा में झलकती है। यहाँ मुख्य रूप से इस झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय लोग वास करते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र जरूर है लेकिन यहाँ मुंडा, हो, संथाल, कुड़ुक और खड़िया जो मेजर ट्राइब हैं, वैसे 32 जनजातियाँ हैं लेकिन मुख्य रूप से ये मेजर ट्राइब यहाँ वास करते हैं। और क्षेत्रीय भाषा भाषी के लोग आपको कुरमाली, नागपुरी मेन जो कोऑर्डिनेटिंग लैंग्वेज है, नागपुरी भाषा इसलिए बहुत पॉपुलर है और सरस ग्राह्य है, सहज रूप से ग्राह्य है, इसलिए कि ये आदिवासी समाज के बीच में अगर एक दूसरे से कोई बात करना चाहता है, उराम अगर मुंडा से बात करना चाहता है, मुंडा खड़िया से बात करना चाहता है, तो वो नागपुरी का सहारा लेता है। इसीलिए लोग समझते भी हैं, नागपुरी को सभी बोलना चाहते हैं और बोलते रहते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से ये यहाँ का नागपुरी भाषा और संगीत सबके बीच में बहुत कॉमन है। तो क्षेत्रीय की बात करेंगे तो नागपुरी भाषा एक नंबर में आता है। किसी समय में ये राजभाषा भी रही जब यहाँ राजतंत्र था, नागवंशी राजाओं का जब यहाँ राज था उस टाइम हमको लगता लगभग 2000 साल नागपुरी राजभाषा रही है। इस झारखंड का, छोटा नागपुर का, नागपुर का, उसके बाद में कुरमाली लोग भाषा है, पचपरगनिया है और खोरठा भाषा है। तो इन भाषा भाषियों का अपना अपना अखड़ा भी है, उनका अपना संगीत है, लेकिन अखड़ा में कुछ जो सांस्कृतिक इलिमेंट है, जो संगत का संगीत का तत्व है, वो मिलता है। जैसे यहाँ वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो मांदर है, ढोल है, नगाड़ा है, ढाक है, सहनाई है, तुरी है, भेर है, बांसुरी है, झांझ है, करताल है, करा है, बानम है, तोहिला है, सारंगी है, ये सब मिलता है। ये मुख्य रूप से ये वाद्यंत्र हैं जो यहाँ के जनजातीय एवं क्षेत्रीय समाज को बांधे लगता है। तो हम बोल रहे थे आपको वाद्यंत्र की बात, इससे संबंधित एक गीत भी हम सुना देते हैं। कौन टोली में किस चीज का आवाज सुनाई देता है, कौन टोली में किसका, और कौन टोली में नाच ज्यादा होता है, ये एक लोकगीत मैं सुना रहा हूं। कहे कि अखरा की चर्चा की, भाषा की चर्चा की, संगीत की भी चर्चा की। इसमें चीक जाति के बारे आप जानते हैं कि नहीं, वो जनजाति है, और खासी की भी चर्चा है इसमें और तुरी की भी चर्चा है। मैं पहले चर्चा किया था खासी, लोहरा और गोड़ाइत की, लेकिन खासी समाज पहले गजट में आदिवासी था, जनजाति था, ट्राइब्स था, लेकिन न जाने किस कारण से इसको सरकार डिट्राइब कर दी। वैसे चीक ब्लाइक भी आदिवासी है। देखिए चीक ब्लाइक यहाँ के पहिरावा, पोशाक, जो कपड़ा बोलते हैं, पड़िया बोलते हैं, लहंगा बोलते हैं, उसको करया बोलते हैं, उसको बनाते हैं। तो उसके बनाते वक्त अपना जो तागा को जो फेंकता है इधर उधर, उसका आवाज सुनाई देता है। और किस्टोला में मांदर बांसी का आवाज देता है, सुनाई देता है। किस्टोला में डमकच सबसे बढ़िया नाच होता है, उसकी चर्चा इस लोकगीत में है। तो
काका ठाकुर की आवाज चीक टोला में सुनाई देता है और मांदरवासी की आवाज खासी टोला में सुनाई देता है और नाच तूरी जाति के बस्ती में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। कौन टोला ठका ठुकुर, कौन टोला ठका ठुकुर, कौन टोला ठका ठुकुर, कौन टोला मंदरवासी, कौन टोला ठका ठुकुर, कौन टोला ठका ठुकुर, कौन टोला मंदरवासी, कौन टोला रे दम कचयू थल भारी, दम कचयू थल भारी, कौन टोला रे दम कचयू थल भारी, दम कचयू थल भारी, दम कचयू थल भारी, ठका ठुकुर ठीक टोला, ठका ठुकुर घसी टोला मंदर बसी, चूड़ी टोला रे दम कस उठल भारी, दम कस उठल भारी, ठीक टोला रे दम कच उठल भारी, दम कस उठल भारी, दम कस उठल भारी, घासी टोला मंदर बसी, चीक टोला ठका ठुकुर, चीक टोला ठका ठुकुर, घासी टोला मंदर बसी, तुरी टोला रे दम खस उठल भारी, दम खस उठल भारी, तुरी टोला रे दम खस उठल भारी, दम खस उठल भारी। बहुत ही अच्छा, किस मोहल्ले में, किस टोले में, किस तरह की आवाज आ रही है, इस गाने में वो प्रदर्शित हुआ है। काफी अच्छा गाना जी तरीका है एक, और गाने के माध्यम से हमें जानने को मौका मिला किस टोले में क्या क्या वाद्य यंत्र बज रहा है, किस टोले में किस तरह की आवाज आ रही है। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुंदर मतलब आपके गाने को सुनकर झूमने का मन करता है, इस तरह गाते हैं आप। यहाँ के संगीत तो झूमने का ही है। यहाँ जब भी हम झारखंडी संगीत की बात करें, आदिवासी संगीत की बात करें, जब गाते हैं तो आपको बजाना है और नाचना है। हमारे लोग, हमारे पुरखे तीनों चीजें एक साथ करते थे, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। मित्रों, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफी कुछ जानने का मौका मिल रहा है झारखंडी संस्कृति के बारे में, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के गांव, यहाँ के रहन सहन के बारे में। तो सर, मैं इसी कड़ी में आगे जानना चाहूंगा, आपके जिंदगी का सफर, उसके आगे फिर क्या पड़ाव आया। मैंने सुन रखा है कि आपको आकाशवाणी में, दूरदर्शन में भी मौका मिला, तो वो क्या कहानी थी, उस कहानी के बारे में थोड़ा समय बताइए। ऐसा है, मैं बालकाल की बात बताया, और उस समय हमारे गांव में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारे बाप तो अनपढ़ थे, लेकिन हमको पढ़ाया। मैं प्राइमरी स्कूल भी पढ़ा, प्राइमरी स्कूल बोंगराम से किया, मिडिल स्कूल बरवाडी से किया, और हाई स्कूल मैं एसएस हाई स्कूल सिमडेगा से किया। मैं जो बालकाल में गांव के अखाड़े में माँ बहन के साथ में जाकर के जो सुना था, देखा था, कुसरा उनके साथ झूमा था, वही मेरे दिल में, दिमाग में बस गया। अब उसी टाइम से ये प्रेम और आस्था मेरी बनी यहाँ के संगीत के लिए, और स्कूल में भी मैं जहां जहां रहा, मिडिल स्कूल तक तो नहीं गाता था, लेकिन हाई स्कूल में मैं गाना शुरू किया, और कुछ मित्र लोग भी थे,
और मुझे लगता है कि हॉस्टल, मैं हाई स्कूल में हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल में इस वो आदिवासी सेवा मंडल का छात्रावास था, वहाँ सुबह भी प्रार्थना होता था, शाम को भी प्रार्थना होता था और स्कूल में भी प्रार्थना होता था। तो उस क्रम में हमको गाने का अवसर मिला, मौका लगा और हम संगीत में मेरी रुचि बढ़ी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं भाग लेता रहा। वैसे जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में भी हम सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेते रहे और कॉलेज जब खत्म हो गया तो पुनः हम गाँव गए, एक बरवाड़ी जहाँ से मैं मिडिल किया था वहाँ प्रपोज हाई स्कूल था, उसमें साइंस टीचर के रूप में काम किया। उसके बाद मैं सोचा सब लोग तो गांव में हैं ही, मैं गांव में क्यों रहूं। तो हमारा ये जो जहां बैठे हैं ये मेरा ससुराल है, मेरी वाइफ रांची की है, चुटिया की। तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे शहर में जाना चाहिए और कुछ जब पढ़ा लिखा हो तो कुछ काम खोजना चाहिए, कुछ देखना चाहिए दुनिया। और मैं आया और शुरू शुरू में तो मैं ट्यूशन करता था, लेकिन ट्यूशन के बल पे ही हमको उषा मार्टिन वायरलॉब्स लिमिटेड इंडस्ट्री में सब पिछ लगा एज ए केमिकल एनालिसिस जूनियर टेस्टर के रूप में, बाद में मैं सीनियर टेस्टर भी हुआ। और उसी समय जब मैं रांची में आया, ये 73-74 की बात है, 72 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ टाटा कॉलेज चाईबासा, 73 में मैं गांव में रहा, उसके बाद में यहाँ आना जाना लगा रहा रांची चुटिया सब। और जब मैं यहाँ आया उस समय ट्यूशन से मैं जीव को पार्जन करता था, तो मुझे पहले से संगीत में इंटरेस्ट था, लेकिन जब यहाँ आया चुटिया में तो कुछ ऐसे संगत के लोग मिले और एक मित्र को हम भूलना नहीं चाहते जो टाटा कॉलेज चाईबासा में कभी कभी आता था, मिलता था। वो था जमशेदपुर सोनारी का लड़का जगदीश चरण लहरी, वो कविता पाठ करता था, वो अच्छा लेखक था और बराबर आकाशवाणी रांची आता था। तो एक दिन आया और मुझे भी वो आकाशवाणी रांची ले गया। वहां एक सुगिया बहन अनाउंसर थी, रोजिन लकड़ा जिसका नाम है, लेकिन पुकारू नाम उसका सुगिया बहन थे। मोस्ट पॉपुलर, सुगिया बहन के नाम से इतना पॉपुलर थी इस क्षेत्र में ना, जहां जाती थी उसको देखने के लिए मार होता था, इतना पॉपुलर थी। तो उनके पास ले जाकर को भेंट कराया और वो बोला कि ये गाना गाता है मेरे बारे जगदीश। तब सुगिया बहन अपना टेबल में बैठा करके बोली, बाबू तू का गाविसला सुना। तब मैं एक गाना उसको स्टूडियो में ही सुनाया था, उसको मैं सुनाना चाहता हूं, कहे कि ये क्रम है। हाँ, दो लाइन सुनना चाहेंगे? मुझे याद है जो गाना मैं सुनाया था। आंबा मजरे मधुमा तलाय रे, आंबा मजरे मधुमा तलाय रे, तैसने पिया महताल हजार रे, तैसने पिया महताल हजार। आंबा मजरे मधुमा तलाय रे, आंबा मजरे मधुमा तलाय रे, तैसने पिया महताल हजार रे, तैसने पिया महताल बहुत ही अच्छा गीत
मतलब झूमने को मजबूर कर दे ऐसा गाना है। तो ये गीत जब मैं सुनाया तो सुगिया बहन इतना प्रभावित, इतना खुश हुई, बोले कि नहीं बाबू तो ये दे आकाशवाणी रांची कर फॉर्म है, ऑडिशन फॉर्म इके ले जा, तो ये फॉर्म भर के लानबे, एक टीम बनाओ कहके कह रहे हैं। और उस फॉर्म को ले आए और यहाँ टीम बनाए। टीम बनाने का भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, रांची में ही मैं टीम बनाया। तो मैं शुरू सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा साफ सुथरा लड़का लड़की को एकदम यंग को लाना चाहिए। तीधर थर से कॉलेज से खोज के लाते थे, दो दिन बैठता था मेरे साथ, भाग जाता था। तब हमारी वाइफ देखी, बोली क्या कर रहे हो। तब फिर उस समय हमारी पत्नी द्रौपदी देवी कही कि नहीं ऐसा मत, आपका टीम कभी नहीं बनेगा, आप घर के लोगों को लेकर के बनाइए। तब जो है सो हम घर के लोगों को लेकर के बनाया, इसमें हमारी वाइफ भी थी, एक चाची सास मनकुंवर देवी, एक हमारी सरस थी पैरो देवी, तीन महिलाएं और एक चचा ससुर लोग था। टीम जब हम बनाने लगा तब वही दिक्कत हुई कि नए लड़के लड़कियों को लाता था, सब भाग जाते थे, लेकिन घर के लोगों को, अपने पास पड़ोस के लोगों को लेकर के टीम बनाया, जिसमें हमारी पत्नी द्रौपदी देवी, चाची सास मनकुंवर देवी और एक सरहस थी पैरो देवी। और पुरुषों में रामेश्वर नायक बहुत ही अच्छे जानकार, और चचा ससुर लगते थे, जलेश्वर नायक भी अच्छे जानकार थे, वो भी हमारे टीम में रहे। और यंग चैप में मनपुरा नायक और देवचरण नायक और शिवू नायक थे उस दल में। और ऑडिशन दिया, ऑडिशन पास किया, तब से मैं आज तक मैंने 75 से रेगुलर हम आकाशवाणी का कार्यक्रम हम देते रहे हैं। इस तरह से हुआ, वैसे ही दूरदर्शन में भी हुआ। और इसी क्रम में इस क्षेत्र में झारखंड में एक सांस्कृतिक नव जागरण का दौर चला रहा था, जिसको वरिष्ठ लोग झारखंड अलग राज्य के लिए ये सांस्कृतिक नव जागरण का दौर चला रहे थे इस क्षेत्र में, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय, नवीन बरधा, डॉक्टर डी पी केसरी और भरत नायक, महावीर नायक, मधुमंसूरी हसमुख, बी एन तिवारी, बिंदेश्वर मिसिर वगैरह वगैरह लोग, काशीनाथ सिंह, मेघनाथ पोहदार, ये लोग मिलके चला रहे थे। मुझे पता चला वो लोग बीच बीच में गांव वगैरह में जाकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम नागपुरी कवि से बनल करते थे। जब मुझे पता चला तो मैं भी वहां जाने लगा। उषा मार्टिन में सर्विस करता था, तीन शिफ्ट चलता था, ए बी सी, लेकिन जब मौका लगता था हम उस कार्यक्रम में जाते थे। और इतना मैं इंटरेस्टेड था कि हम उस कार्यक्रम को छोड़ नहीं पाते थे। अब उसी से मुझे चेतना जगी और उसी समय हम लोग घासी जाति का एक संगठन चलाते थे, जिसमें स्वर्गीय जीतू नायक भी थे और लोग भी कई लोग थे, सबका नाम लेना संभव नहीं है। उनके बीच में मैं गांव घर में देखा, घूमा, तब मुझे बहुत सिंपैथी हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए। और मैं बताया ना, हमारे संगीत घासी जाति के लोग संगीत से जुड़े हुए थे, ट्रेडिशनल संगीतकार थे। तो मैं बचपन में ही देखा था हमारी जाति का दुर्गति, इस चीज को मैं छोड़ दिया था। जब भी कहीं जाते थे वो लोग गाने बजाने के लिए, विशेषकर बजाने के लिए शादी ब्याह में, तो वो लोग को ठीक जगह बैठने के लिए नहीं देता था, थोड़ा गंदा जगह में किनारे कहीं देता था, खाने के लिए भी वैसे ही। ये सब टीस मेरे दिल में था कि भाई नहीं, ये तो गलत है। जो आदमी इसका, इस संगीत का सृजन करता है और उसके साथ कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। मेरे दिल में उसी बचपन से ही ये टीस था।
और एक चीज के बारे आप जानते हैं कि नहीं, नचनी प्रथा, नचनी प्रथा आप जानते हैं? सुना है, सुना है। तो नचनी प्रथा में भी किन जाति की बेटी बहन को नचनी चढ़ाया जाता था? उसमें भी खांसी, लोहरा, गुड़ाई, तुरी, छीक, डोम, महली, यही लोग को चढ़ाते थे नचनी। वो टिस भी हमारे दिमाग में, दिल दिमाग में छाया हुआ था, इसलिए कि मेरी बहन, एक चचेरी बहन को भी नचनी चढ़ाया गया था। उस समय में ठीक होश में था, लगभग हमको लगता है चौथा पांचवा क्लास में था उस टाइम। तो वो दर्द भी मेरे दिल में था कि मुझे संगीत पर काम करना चाहिए। मैं ये जागरण गीत भी मैं लिखना शुरू किया झारखंड के लिए, और वो मोस्ट पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, और उसी के बदौलत आज झारखंड अलग राज्य भी हुआ है। राजनीति कर्मी लोग तो इसको करते थे खत्म, करते थे खत्म। जब तक साहित्यिक और सांस्कृतिक जत्था यहाँ नहीं जुड़ता तो झारखंड अलग राज्य नहीं हो सकता था। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड राज्य अलग राज्य आंदोलन से जुड़े एक दो गीत को आप सुने। जरूर सुनना चाहेंगे हम। मैं आपको रोकना चाहूंगा इसी में, मैं जानना चाहूंगा जो आप गाने गाते हैं, ये आप गाने खुद लिखते हैं कि और कोई लिखता है आपके लिए? मैं खुद लिखता हूँ, लेकिन मैं परंपरागत गायक हूँ, इसलिए जितने भी प्राचीन कवि हैं या यहाँ का परंपरागत राग रानी में किसी का गाना हो उसको हम गाते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, जैसे कि हमारे जो झारखंड है इसमें आपने जैसे बताया कुरमाली है, संथाली है, और भी जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो आप किस किस भाषा में गाने गाते हैं? हम पथवगैया गाते हैं, बंगला भी गाते हैं, और एक आध मुंडारी भी, कुड़ुक भी गाते हैं। खोठा नागपुरी तो मिलता जुलता है। चलिए कुरमाली भी एक सुनना चाहूंगा आपके इसमें। तो पहले आप जो पहले झारखंड आंदोलन के गीत एक दो कड़ी आप सुने। जो सबसे पहला गाना है जो हिट हुआ, उसमें यंग था, किस तरह से हम सोए हुए हैं, हम जागृत नहीं हैं, अपने लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसे हम सह रहे हैं, बाहर के लोग आकर के यहाँ, इसी विषय पर लेकर के हम गाना बनाए। जागु जवान नागपुरे देहु तनि ध्यान, जागु जवान झारखंड देहु तनि ध्यान। जागो जवान झारखंड देहु तनि ध्यान, जागो जवान नागपुरे देहु तनि ध्यान, जागो जवान झारखंड देहु तनि ध्यान। क्या नहीं है समलोहा सोना चांदी, ले गए देखो मोटा बांधी, खनिज रहता ना धान पारा के तो कान, जागू जहां नागपुरे देहूतान ध्यान, जागू जहां झारखंड देहूतान ध्यान। गोहन कर लिया काटी काटी बना धार, काटी काटी बना धार, मजा मारे ठिकेदार, हमार हो वह वीरान, जागू जहवा नागपुर देहूतानी ध्यान, जागू जहवा झारखंड देहूतानी ध्यान।
गजब गाना है, आपने लिखा भी जबरदस्त है, आपने ही लिखा है शायद, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ की यहाँ जो संपदा है, खनिज संपदा है, उसको भी इसमें समाहित किया गया है। अभी भी झारखंड वासियों को सिर्फ नेम प्लेट मिला है, बाकी अधिकार, बाकी हक और अधिकार लेना बाकी है। इसलिए मैं कहता हूं अरे हाँ भैया, हम बोलना चाहते हैं सोचू नहीं ए भैया, ध्यान से आई झारखंड अभी कैसे आपन राज, ओ बंधुओं, ओ सज्जनों, ओ देवियों, आप ध्यान से सोचिए, झारखंड राज तो मिला है लेकिन अपना राज, अपना हाथ में पावर नहीं है, इस राज में हम लोग का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। वी हैव टू गेट दैट। अरे हाँ मोरी, सोचू ना ये भैया, सोचू नी ये भैया, ध्यान से आज झारखंड अभी कैसे अपना राज, झारखंड अभी कैसे अपना राज। दादा दिलाए जान रखल माटी के तान, बाप दादा दिलाए जान रखल माटी के तान, पुरखा कर सहापना ये कौन भिल झकना, पुरखा कर सहापना ये कौन भिल झकना। मुकुंदा आदिवासी करो, मुकुंदा मूलवासी करो, मुकुंदा मूलवासी करो, लुटेरा के साथ झारखंड है अभी कैसे अपना रा, झारखंड है अभी कैसे अपना रा। मैं कहूंगा राज बना है तो कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन पुरखों का सपना अधूरा है। इसमें हम आप विचार करें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार विचार करें कि उन पुरखों का सपना सपना कैसे जमीन में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंच सके, मुकुंद नायक जी का संदेश पहुंच सके और जान सके। मुकुंद नायक जी को दो अवार्ड मिला हुआ है, ये पद्मश्री है, पद्मश्री के साथ हैं मुकुंद नायक जी, और इनको सम्मान मिल चुका है झारखंड में कला संस्कृति के लिए, यह अवार्ड मिला था इनको। और दूसरा ये है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ये, इसको भी दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, श्री मुकुंद नायक, इनका नाम भी इसमें प्रिंटेड है। जनवरी 2019 को, लेकिन घोषणा हुई 2017 में, दोनों 2017 में घोषणा हो गई थी। हाँ, जिसको अवार्ड दिया
पद्मश्री अवार्ड को हमारे प्रणव मुखर्जी साहब दिए, राष्ट्रपति महोदय। और ये जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो भी राष्ट्रपति भवन में ही मिला, उसको दिए रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति जी। तो मित्रों, ये थी कहानी मुकुंद नायक जी की, और इन्होंने पूरा जीवन दर्शन कराया अपना, और अपने उनको जो अवार्ड मिला अवार्ड भी दिखाया। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई दौलत तो हम नहीं कमाए, हाँ ट्रॉफीज कमाए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, इसको कमाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। मित्रों, मैं आया हुआ था मुकुंद नायक जी के घर, और काफी अच्छा लगा मिलके इनसे, और इनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है। मुकुंद नायक जी की धर्म पत्नी और बेटी है, बेटी है, आई हमारा सबसे जूनियर हीरो। काफी खुशहाल फैमिली सर, आप लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा, आपके परिवार में आकर बहुत अच्छा लगा। काफी सम्मान मिला है, देखिए ये ट्रॉफीज मैं दिखा रहा हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप छत्तीसगढ़ से हैं इसलिए चलिए, जय छत्तीसगढ़। मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड का सपूत हूँ, इसलिए कहना चाहूंगा जय झारखंड। चलिए, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भी बहुत सहयोग दिए हमारे, मतलब कीबोर्ड पर है सर, आपने बहुत सहयोग दिया, और मांदर का सर आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मित्रों, मिलते हैं और किसी कलाकार के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में।